फाइनली गाइज हमारा पीनट बटर जो है रेडी हो गया है, और अभी देखते हैं टेस्ट करेंगे ब्रेड पिला के। ओके हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। और गाइज अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं ऊपर बैठा हूँ अपनी छत पर, और सामने मतलब सूरज निकल रहा है तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। और नवरात्रि चल रहे हैं तो सभी को हैप्पी नवरात्रि मेरी तरफ से। तो गाइस पता है मेरे इधर ना पिंपल हो गया यार, और पहले इधर हो गया था अब इधर हो गया, मतलब यार पिंपल्स की बड़ी प्रॉब्लम है। तो गाइस देखना मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना, सूरज थोड़ा सा ऊपर आ गया है। और देखो यार ये पानी, मतलब पानी काफ़ी दिनों से भरा हुआ है, लगभग 2 महीने हो जाएंगे अब भी भरा हुआ है। और हमने पता है 2 महीने से लगभग क्रिकेट नहीं खेला है, इधर ही क्रिकेट खेलते हैं हम, सामने ये जो फील्ड है ना इसी में, बट अब ये फील्ड नहीं रहा है, पानी भर गया है पूरा, दिक्कत हो रही है। और पता है लगातार 4 दिन तक बारिश हुई थी, 4 नहीं पूरे मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक हुई थी बारिश, काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी पता है। और उससे अगले दिन फॉग हो गया था सुबह सुबह जो है, अब तो खैर ठीक है, नॉर्मल है एनवायरनमेंट देखो। तो फाइनली गाइज मैं अभी नहा लिया हूँ। ओके तो गाइज पता नहीं यार सिस्टम में ना कोई दिक्कत आ रही है, पता नहीं मतलब चलते चलते कभी कभार हैंग सा होने लग जाता है ऑटोमेटिक। और वैसे मैं बेसिकली फ़ोटोशॉप वगैरह ही नॉर्मली चलाता हूँ, और डायवेंसी रिजॉल्व चलाता हूँ एडिटिंग के लिए, नॉर्मली चीज़ें चलाता हूँ। और फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो फिर उसमें मतलब वेबसाइट वगैरह ओपन करनी पड़ती, यही चीज़ें चलाता हूँ नॉर्मली, और कुछ नहीं वैसे। फिर भी यार पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा है, तो भैया आएंगे जब दिखाएंगे इसे। तो गाइस अभी खाने में देखते हैं क्या है और फिर खाना खाते हैं, ठीक है। तो आज खाने में है रोटी, दाल और चावल और हरी मिर्च, जो कि बहुत ज़्यादा खड़ूस लग रही है दिखने में। तो गाइज अभी खाना तो हो गया, और पता है मैं कल गया था मार्केट शाम को, तो वहाँ से ले गया था मैं कच्ची वाली मूंगफली जो होती है ना, वो लेके आया था, बिकॉज़ मैं बनाऊँगा पीनट बटर मॉर्निंग के लिए, अच्छा रहता है ना वो हेल्थ के लिए इस वजह से। तो गाइस अभी हमारे पास है कैडबरी का कोको पाउडर, और मूंगफली है कच्ची वाली, और अमूल का मक्खन है ये, और डेयरी मिल्क है 3 बस। तो गाइस सबसे पहले इनको भूनना पड़ेगा, मूंगफली को कढ़ाई में भूनते हैं, ठीक है। ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना है, नॉर्मली भूनना है, ठीक है। तो फाइनली गाइस मूंगफली जो है भून गई है अच्छी तरह से, देखो। तो गाइस भुनने के बाद मूंगफली में से छिलका उठा लिया देखो, और ये मतलब काफ़ी अच्छी लग रही हैं दिखने में, एकदम टेस्टी लग रही हैं। तो अभी इनको मिक्सर में चलाएंगे। ओके तो गाइस अभी इसे हम खाली चलाएंगे, बिकॉज इनको जो है ना पीसना है अभी, फिर उसके बाद देखते हैं कैसी मतलब पिस जाएंगी ना, तो फिर इनमें जो भी है चॉकलेट वगैरह और मक्खन वगैरह जो भी है बाद में डालेंगे। ओके पहले इनको पीसते हैं हम। और इसमें पता है शहद भी पड़ेगा, हनी जो होता है। तो ऐसे देखो ये ऐसी हो गई है, देखो पूरा मतलब होल हो गया इसमें, और अभी मतलब और पिसेंगे ये भी और ज़्यादा, अभी तो बहुत कम पिसी है, देखना कैसी हो गई। अभी तो इसमें हनी वगैरह पड़ेगा ना जब बनेगा, अभी इसमें पहले शहद डालते हैं, शहद भी जम गया है फ्रिज में रखा था ना इस वजह से। और शहद तो डाल दिया मैंने, अभी इसमें देखो ये इसका, इसको बाद में टेस्ट करूँगा मैं, ठीक है। वैसे शहद यार अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा भी मीठा अच्छा नहीं लगता, इतना मन भर जाता है। अब इसमें डालेंगे हम कोको पाउडर, जिससे कि असली कलर आने वाला है, ठीक है। तो गाइज अभी इसमें डालते हैं हम डेयरी मिल्क। ओके नो थोड़ी मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ। तो गाइज दीदी खड़ी है मेरे कैमरे के जस्ट पीछे, और चॉकलेट मांग रही है पता है, लो पूरी 3 चॉकलेट डाल दी मैंने। अब इसमें मक्खन और डालना है अभी,
ये मैं अमूल का मक्खन लगा डाल रहा हूँ इसमें, बोल रहा था लगा रहा हूँ भाई, रोटी पे थोड़ी ना लगा रहा, और गलती से निकल गया, कोई नहीं। और इसमें अभी नमक भी डालना है, बट इसमें मक्खन में नमक है लेकिन इतना नहीं है, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल सकते हैं, ठीक है। मैं बाद में डालूँगा नमक वगैरह, ठीक है, पहले इसको चला लें। तो फाइनली गाइस पीनट बटर जो है वो रेडी हो चुका है, और मैंने ये डिब्बे में खिला लिया है, काफ़ी टेस्टी लग रहा है खाने में। और देखो ब्रेड पे लगाते हैं अभी और फिर टेस्ट करते हैं। और मैंने मतलब रूखा भी टेस्ट किया था बगैर विदाउट ब्रेड के, तो यार मतलब मुंह में चल नहीं पा रहा था, रूखा अच्छा लग रहा था लेकिन खाने में, लेकिन हीक जल्दी भर गई थी उससे। अब ब्रेड पे लगाएंगे ना जब अच्छा लगेगा, ब्रेड पे लगा के ही खाते हैं वैसे ज़्यादातर तो, और दूध के साथ भी ले सकते हैं आप लोग मॉर्निंग में। मैं तो यार ऐसे ही ब्रेड पे ला के खाता हूँ, और आप जैसे चाहें वैसे खा सकते हो। ओके, और चॉकलेटी कलर आया है एकदम, अच्छा लग रहा है वैसे चॉकलेटी। तो फाइनली गाइस पीनट बटर तो बन गया, और अभी आपने देखा ही होगा काफ़ी टेस्टी था यार खाने में, मैंने तो घर पर ही बनाया है, काफ़ी टेस्टी बना। और आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।